आप जिन्होंने ट्रेलर देखा है, जो पिक्चर देखेंगे वो बता पाएंगे कि इस बार कौन से अलग अलग तेवर आपको पसंद आए या मैंने दर्शाए हैं। एज एन एक्टर आई हैव डन एवरी फिल्म द सेम वे, सो ये फिल्म भी आई इवेंचुअली सबमिटेड टू अमित एज अ डायरेक्टर। ये सोच के नहीं किया कि पापा की पिक्चर है तो ज़्यादा या कम करना है, एंड एक्टर हैज़ टू हैव दैट इंटेग्रिटी कि हर रोल अच्छी तरह निभाए। वी एंजॉयड द प्रोसेस लाइक एनी अदर फिल्म, बट आई एम जस्ट लिटिल मोर अटैच्ड टू दिस फिल्म दैन आई विल बी विद एनी अदर फिल्म। आई डोंट नो विलन क्या होता है और हीरो क्या होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मुझे कैरेक्टर समझ में आता है, पर मुझे जो है ये आदमी जैसा भी है बहुत ही रोमांटिक आदमी है, गलत ये है कि खून भी करता है। उसको आप हटा दें अगर, तो ये जितना दिल से इस लड़की को चाहता है, शायद कोई उतने जुनून के हद तक चाहता है कि तभी वो किसी इतना पीछे जाता है कि चीज़ें और ख़तरनाक हो जाती हैं। इसलिए इसको करने में मुझे मज़ा आया। मैंने इसको नेगेटिव के तौर से कभी नहीं लिया। मैंने एक आदमी है जो मथुरा का आदमी है जिसका किसी लड़की पर दिल आया है, तो उसको मैंने उसको पूरे लवर बॉय के तरीके से ट्रीट किया है। अगर आपको डर लगता है तो ये आपकी खराबी है, उसमें कोई खराबी नहीं है। थोड़ा मस्ती मज़ेदार वाला कैरेक्टर, थोड़ा सा चिचोरा है, थोड़ा नॉटी है, थोड़ा बचकुंडा है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए just the place he's from, but the attitude that this boy has. There was one philosophy that I kept in mind when I played the character. He doesn't care about who owns the world. He lives like he doesn't give a damn about who does. Matlab, he doesn't care like he owns the world. He doesn't care about who does. Wo mast maula hai apne duniya mein mast. Like any other 20-year-old kid living in any part of the country at that age would. So that is the main philosophy that Pintu Shukla has in his life. Zimmedari bahut hi aur because it's my first film and I got brilliant actors and brilliant producers, to matlab kisi bhi cheez ki kami nahi di gayi mujhe, to sara abhi darmadar mere sar pe hi hai, mere kandhon pe hi hai। साक्षी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि आई एम वंडरिंग कि ट्रेलर में अर्जुन कपूर आपको छज्जे पर से गिरा क्यों देते हैं। मैंने उनको गाते हुए सुन लिया था ना। थोड़ा सा टेढ़ा अगर आप आंसर देना चाहे, ऐसा कौन सा बात ऐसा फिल्म का है जिसकी वजह से सोनाक्षी को आपने धक्का मार दिया ऊपर से? वो इसलिए गिरा देते क्योंकि उन्हें पता मैं बाउंस होकर वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली सिर्फ आइटम सॉन्ग्स है, पिक्चर बीच में दो तीन सीन होते हैं उसके बाद पूरी पिक्चर ही आइटम है। सुना तेवर नाम है इसका जी। तो तेवर के अंदर तेवर होना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक का, एंड आई एम ग्लैड दैट हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, दिस टीम हैज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर अचीविंग द बेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स फॉर द सिचुएशन। और ये पूरे सिचुएशन के अंदर गाने इतने खूबसूरती से उभर के आए, तो इसमें एक आइटम नहीं है, अगर रोमांटिक गाना है तो वो भी एक आइटम नुमा ही शूट हुआ है। सो इट्स फैंटास्टिकली शॉट। I wish मैं माधुरी जी की तरह डांस कर पाती, बट अभी तो जिनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हूँ वो तो प्रभु सर ही है, जितना नाच मैंने सीखा है वो उन्होंने ही सिखाया है। बट या आई थिंक इट्स बहुत अच्छे गाने हैं, रेमो सर ने बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए हैं इन गानों को, और आप देखेंगे मैंने अपने आप की तरह ही डांस किया है। What the interesting part is that she loves dancing in the film, as in her character does love dancing. So I don't know अगर इन्होंने माधुरी जी को emulate किया है or who she's followed, but her character is very fond of dancing and that's where even Gajender Singh meets her for the first time in the film. डेफिनेटली चेक लेने में ज़्यादा मज़ा आया, बट दी एडवांटेज इज कि द हीरो इज घर वाला है, तो फिर वहाँ पे एक चेक बच गया। और कुछ बात अर्जुन वेनी केम ही वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग के इज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली फिल्म एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी के हम तो दूसरी पिक्चर के लिए भी रेडी हैं, बस अर्जुन स्क्रिप्ट अप्रूव कर दें तो पिक्चर हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, माय फैमिली नेवर इंटरफेयर्ड इन माय प्रोसेस एज एन एक्टर। ऐसा कभी नहीं था कि उन्होंने आके नोक झोंक किया, कहा तुम्हें कैरेक्टर ऐसे प्ले करना चाहिए या ये तुम बेटर कर सकते हो। दे अलाउड मी टू स्टिल बी प्रोफेशनल। अरे अरे मेरा सवाल सुन के गिर गया कोई, मेरा जवाब सुन के सॉरी।
सो दे नेवर पुट दैट प्रेशर ऑन मी. तो अगर कोई आप पे प्रेशर नहीं डालता तो वो सारी जो आपके दिमाग में वहम होते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं. तो फॉर मी वाइज शूटिंग इट फेल्ट लाइक प्लेइंग एनी अदर कैरेक्टर दैट आई प्लेड विद सिंसेरिटी. दे नेवर लेट इट बिकम अरे होम प्रोडक्शन है तो यू बेटर है गिव योर बेस्ट. मतलब तुम गुंडे से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना या टू स्टेट से बेटर करना, ये ऐसे डिस्कशन ही नहीं हुई. दैट अलाउड मी टू फ्लरिश आई गेस एंड आई होप दैट शोज इन द फिल्म एज वेल. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.